नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में हत्या का दौर लगातार जारी है। बीते रात बेगूसराय थाना अंतर्गत NH 31 पर एम्बुलेंस चालक की हत्या अपराधियों ने दोनों हाथ के नस को काटकर और एसिड पिलाकर गला घोंटकर कर दिया। बताया जाता है कि एम्बुलेंस चालक धर्मेंद्र रजक नगर थाना स्थित 38 नंबर वार्ड के रहने वाले थे। वे एक सरकारी एम्बुलेंस चालक बेगूसराय जेल के थे और पदस्थापित थे। बेगूसराय जेल से एक कैदी को पटना PMCH एम्बुलेंस से ले जाने के बाद लौटने के क्रम में रात 3 बजे NH 31 पर अपराधियों ने धर्मेंद्र रजक के दोनों हाथ की नस काट दी, एसिड पिला दिया, गला घोंट कर मार कर फेंक दिया। लेकिन गश्ती दल जब पहुंची तो बेहोश पाया और उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र संदीप कुमार कहते हैं कि 9 बजे रात में पापा ने कहा था कि लौट कर आ रहा हूं, फिर एक कैदी को पटना PMCH लेकर जाना है। यह वारदात पूरे नगर में कोहराम मचा दिया। एम्बुलेंस चालक, सरकारी जेल के एम्बुलेंस चालक की हत्या रात के 3 बजे NH 31 पर हो जाना, यह बड़ी बात है। आए दिन बिहार में हत्याओं का दौर जारी है। हत्या थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में अपराधी हत्या करने से थोड़ा भी नहीं हिचकते। बड़ा अजीब स्थिति है। कौन कहाँ सुरक्षित, कहाँ नहीं जा सकता। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।